जी भगवान अरे तुम कार्य परम करो के सगर कारक देवादि देव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अभिहंता प्रभु ने सम्यक दर्शन की स्पर्शना करके आत्मा और पुद्गल का भेद को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। भगवान खुद के शरीर में भी खुद की आत्मा का आत्म तत्व का दर्शन करते थे और जगत के जीव मात्र में भी उनकी कर्म जनित अवस्थाओं को साइड पर छोड़कर अंदर में रही हुई चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा का दर्शन करते थे। उद्गल को दिमाग के माध्यम से साइड पर रखकर अंदर में रही हुई आत्म तत्व का दर्शन करना वही भाग्यशाली सम्यक दर्शन है और यह सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद ही जीवात्मा का मोक्ष मार्ग में तात्विक विकास हो सकता है। जब तक यह विजन क्लियर नहीं हुआ है, आत्मा और पुद्गल का भेद का भान ही प्रकट नहीं हुआ है, तब तक जीवात्मा कितनी भी धर्म साधना करे नहीं। भगवान कहते हैं कि जीव का तात्विक जो आत्मिक विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो सकता। इसलिए ही सुमतिनाथ भगवान के स्तवन में आनंद घनजी महाराजा ने पहली ही गाथा में स्पष्ट विधान किया है, आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रहो बहिरात्मा अगर उपसुग्नानी। फिर से बोलिए, सब स्तवन पढ़ने जैसे, आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रहो बहिरात्मा अगर उपसुग्नानी। उसका मतलब क्या? तीन प्रकार के जीवों की बात बताई है। ये पहली भूमिका, पहली यानी कि लास्ट भूमिका की बात है। पिछले वाली भूमिका का वर्णन करते हैं, काया निकलो हो साखी धर रहे हो अंतर आत्म भूप सुनानी। और उत्कृष्ट क्वालिटी वाले आत्माओं के लिए लिखा है, नाना नंदे हो पूर्ण आवन हो वंचित सकल उपाधि सुनानी अतीन्द्रिय गुण कर्मणि सागर दे परमात्मा साध सुनानी। तीन प्रकार की आत्माएं है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इस जगत में तीन प्रकार की आत्माएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। हम भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, भगवान अरिहंत प्रभु भी आत्मा है, तीनों आत्मा ही है। भगवान भी आत्मा, हम भी आत्मा, आप लोग भी आत्मा, हम सब आत्मा। इसलिए भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया, वो परम आत्मा है। भगवान वो परम आत्मा है, इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं। हमने परम और आत्मा दोनों शब्द को संधि करके जोड़ दिया, परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का मतलब हमें जब प्रभु का ध्यान करना है ना, तब इस भावना से प्रभु का दर्शन करना चाहिए कि वो परम आत्मा है, वो परम आत्मा है। और हम कैसे हैं? हमारी संसारियों की भी दो भूमिका हो सकती है, या तो हम बहिरात्मा होंगे या तो हम अंतरात्मा होंगे। बहिरात्मा दशा का लक्षण क्या, पहले वो समझना है। भगवान कहते हैं कि आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रहो बहिरात्मा अगर उपसुद्ध। आत्म बुद्धे कायादिक ग्रह, उसका मतलब क्या? ये जो काया, कायादिक काया वगैरह, यानी कि काया से जुड़ी हुई पूरी भौतिक दुनिया में अपनपना का जो भाव करता है वो बहिरात्मा। काया में अपनपना का भाव किया, जैसे कि आपके शरीर में बीमारी आई, एक पुण्यशाली आप और शरीर एक है या अलग है? यह धर्म का प्राण है भाग्यशाली। जब तक ये मिशन क्लियर नहीं हुआ है,
तब तक सम्यक दर्शन उजागर नहीं होता है, और सम्यक दर्शन जब तक उजागर नहीं हुआ, जब तक किया हुआ धर्म आत्मा का उत्थान नहीं कर सकता है। आज तक हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा थोड़े भी धर्म से जुड़े हैं तो धर्म को ज्यादा बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, मगर धर्म के लिए पात्र बनने के लिए हम लक्ष्य भी नहीं बनाते। तो धर्म ज्यादा करो अच्छी बात है, मगर वो धर्म आत्मा को लायक बनाता है या नहीं बनाता, या तो लायक बन के वो धर्म हो रहा है या लायक बनने के बिना ही वो धर्म हो रहा है, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। भगवान कहते कि पहले तो आत्मा और जीवन का भेद का भाव जब प्रकट होता है ना, बाद में जीव का आत्मिक तात्विक विकास की शुरुआत। तो आत्म बुद्धे हो काया दिक्कत ग्रह, इस पंक्ति को आज हमें ठीक स्वाध्याय करना है। आत्मा और शरीर दोनों एक ही है या अलग है? आवाज बराबर स्वाध्याय बार बार करना पड़ेगा कि आत्मा और शरीर दोनों अलग है, और उसमें से आप कौन है? आत्मा। आवाज नहीं आत्मा। आत्मा आत्मा और शरीर अलग है, और मैं अभी आपको है ना अपने गुजराती में कहते हैं कक्को और बारा खड़ी, वो बेसिक सिखा रहा हूं। ये बेसिक पदार्थ को आप क्लियर करो, बाकी शरीर आत्मा और शरीर ये दोनों चीज अलग है, और उसमें से मैं आत्मा हूं, और ये जो मुझे जुड़ा हुआ टेम्पररी मिला हुआ जो जुड़ाव है वो शरीर, वो मेरे से पराई चीज है। मैं तो कहता हूं एक अपेक्षा से नवकार मंत्र का रटन जितना जरूरी है ना, उससे ज्यादा निश्चय नहीं से इन विचारधारा का स्वाध्याय ज्यादा जरूरी है। समझ में आता है? आपको धर्म में प्रवेश करना है तो पहले इतना तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो आत्मा और शरीर ये दोनों चीज अलग है, तो जब भी आपके शरीर में बीमारी आई आपको क्या महसूस होता है? आपके शरीर में जब भी बीमारी आई तब आपको क्या महसूस होता है? मेरा शरीर बीमार पड़ा वैसा फीलिंग होता है, या मैं बीमार पड़ गया वैसा फीलिंग होता है? मेरा शरीर बीमार पड़ गया वो फीलिंग होता है, या मैं बीमार पड़ गया वैसा फीलिंग होता है? भगवान कहते हैं कि उसका कारण यह है कि आपने शरीर में अपनपना का भाव कर दिया है, और इस भावना को आपने इतना घट बना दिया है कि आत्मा और शरीर की भिन्नता आपको याद भी नहीं आती है, और इस वजह से शरीर में आपने एकात्मता को साध लिया है। शरीर में आपने एकात्मता का भाव को इतना घट बना दिया है कि आपको दोनों भिन्न चीज है वो कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी शरीर बीमार पड़ता है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं बीमार हूं, आपकी चमड़ी शरीर की चमड़ी जो है वो व्हाइट है, और मान लो कि ज्यादा धूप में घूमने की वजह से या कोई बीमारी की वजह से आपकी चमड़ी ब्लैक हो गई तो आप क्या फीलिंग करोगे? मैं ब्लैक हो गया, क्या फीलिंग करोगे? मैं ब्लैक हो गया। आपका शरीर का अंगूठा कट जाएगा, पैर का अंगूठा कट जाएगा, तो मेरा अंगूठा कट गया, तेरा अंगूठा कटा या शरीर का अंगूठा कटा? समझ में आता है? आपको सच में गौशीर का प्रवचन सुनना है या साधना करके जीवन को सफल बनाना है? आपको क्या करना है? साधना करना है, जीवन को सफल बनाना है, तो इसके लिए आपकी समझदारी में और आपकी सोच में आपको परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा और झूठ को छोड़ना ही पड़ेगा। ये झूठ है, शरीर बीमार पड़ गया और मान लिया मैं बीमार पड़ा, वो झूठ है। तू शरीर थोड़ी ना है, तू तो आत्मा है। ये शरीर के साथ एकात्मता हो गई और तुझे भ्रम हो गया कि ये शरीर जो है वो ही मैं हूं, वो तेरा भ्रम है। और भगवान कहते हैं कि भ्रम को ही मिथ्यात्व कहा जाता है, ये जो भ्रम है ना इसको ही मिथ्यात्व कहा जाता है। भ्रम का मिथ्यात्व का मतलब क्या? वास्तविकता से भिन्न भ्रमणा का भोग हो जाना वही मिथ्यात्व है।
समझ में आता है। तो आप लोग कितनी भी तीन तीन घंटा भगवान की पूजा करो, वर्षी तप की आराधना करो, हर साल लाखों करोड़ों का सुकृत में दान करो, सामयिक प्रतिक्रमण करो, अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, मगर पात्रता के बिना किया तो वो आपका आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सब करके संतोष मानना ना, वो भी भ्रमणा है। बात की लालसा है, की बात की चाह जाए, वही बात की वास्ता, वो आत्मा से होगी या शरीर से होगी? आत्मा विकृत होता है तो ये सब विकार भाव पैदा होता है, भाव मन में ही यानी कि आत्मा में ही पैदा हुआ है, मगर आपकी आत्मा विकृत है इसलिए वैसा विकृत भाव आपको पैदा होता है। तो भाग्यशाली, जब आप किसी भी धर्म की आराधना करो संतोष मान लेते हो, मगर भगवान कहते हैं कि तात्विक जब तक आत्मा का स्वरूप की पहचान नहीं हुई है और आत्मा से भिन्न पराई दुनिया में और आत्मपरपना का भाव ये सब पराया है, मेरा आत्मा से भिन्न है वैसा फीलिंग जब तक क्लियर नहीं हुआ है न, तब तक ये किया हुआ धर्म आपका आत्मा की स्थिति को ऊंचे नहीं उठा पा सकता। इसलिए कह रहा हूं कि नवकार मंत्र का जाप वो जितना जरूरी है एक अपेक्षा से उससे भी ज्यादा इस चिंतन का स्वाध्याय करना वो बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ पूरा प्रवचन 3 महीने का आपको याद नहीं रहा ना, मतलब कितना भी आपने याद रखे अंदर में बिठा दिया ना, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर भी मेरे से पराई चीज है, उतना भी आपने अंदर से समानता उजागर कर दिया ना, मैं दावा करके कहता हूँ कि शायद आप दीक्षा नहीं भी ले पाए तो भी एक अपेक्षा से कहता हूँ, दीक्षा नहीं भी ले पाए और धर्म ज्यादा नहीं भी कर पाया ना, तो भी आपका जीवन संभल है जो इतनी भाव द्वारा क्लियर स्पष्ट हो गई है अंतर मन में, तो समझ में आता है। तो भाग्यशाली आत्म बुद्धे हो काया दीपक, पूरा 4 महीना का प्रवचन कुछ भी लेते हैं तो केंद्र में तो सम्यक दर्शन ही रहेगा। बार बार कहता हूं कि भगवान ने जीव मात्र को तारने का मार्ग स्थापन किया, धर्म शासन की स्थापना किस लिए किया है, जगत का जीव मात्र का कल्याण के लिए, यानी कि जीव में जीवत्व का दर्शन किया है, यानी कि भगवान ने जीव और शरीर का भेद को क्लियर स्पष्ट रूप से देखा है, बाद में प्रभु की मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू हुई है। तो भगवान की बात करेंगे, शांतिनाथ दादा की बात करेंगे, महावीर भगवान की भी बात करेंगे, तभी घूम घूम के हमारा केंद्र तो एक ही फोकस है। और एक बात कहूं, जब भी कोई कठिन चीज होती है ना तो उसको तोड़ने के लिए बहुत उठाघात करना पड़ता है, तो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि अंदर में मिथ्यात्व की ग्रंथि है। भगवान कहते हैं कि अनंत भवों में हमने मासक्षमण के पारने पे मासक्षमण भी किया था, अनंत जन्मों में हमने मक्खी की पाग भी न दुबे वैसा चारित्र का पालन भी किया था, किसने किया था? आपकी बात करता हूं, आपने भी ऐसा चारित्र का पालन किया था, मगर ज्ञानी भगवान कहते कि अनंत काल में अभी तक हमारा मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेद नहीं हुआ है, मिथ्यात्व की ग्रंथि शायद नहीं टूटी है, इसलिए किया हुआ सब धर्म फेल है। तो पहले मिथ्यात्व की ग्रंथि को तोड़ना वो ही हमारा लक्ष्य है, प्रवचन की धाराओं के माध्यम से एक ही हमारा गोल है कि अंदर का मिथ्यात्व आपका टूटना चाहिए, इसलिए 4 महीने के प्रवचन में मिथ्यात्व के पर ही कुठाराघात करने की कोशिश करें। शायद ये बात मेरे मुंह से क्या आपने पहली बार सुना? मैंने ये बात कितनी बार यहाँ के प्रवचनों में बताया तो भी बार बार वही बताते रहना है, क्योंकि एक ही जगह पर हमें मान लो कि कोई बड़ा लोहे का सरिया है, आप तो लकड़े का लकड़ी है तोड़ना है तो प्रहार किस जगह पर करना होगा? यहाँ से तोड़ना, एक ही जगह पर बार 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 प्रहार करने से ही वो टूटता है, तो एक ही जगह पर पहले वो जो बात बताया था वही बात, मगर हर रोज उसका स्वाध्याय करना। साहब जी, मिथ्यात्व की ग्रंथि स्वाध्याय से ही टूटेगी ना? स्वाध्याय के माध्यम से भावना की धारा तक पहुंचना है, जो भाव से टूटती है वो भाव से टूटती है, मगर भाव का पोषण कैसे होगा? जागृति के साथ इस पदार्थों का स्वाध्याय करने से भावना प्रबल होती है, बिना जागृति पूरी जिंदगी तक स्वाध्याय करते रहो तो उससे आपकी ग्रंथि नहीं टूटेगी, बिना जागृति से पूरी जिंदगी तक स्वाध्याय करते रहो तो भी आपकी ग्रंथि नहीं टूटेगी,
मगर स्वाध्याय ही नहीं करोगे तो भावना का पोषण ही नहीं होगा, तो भी ग्रंथि नहीं टूटेगी। इसलिए भाव धारा के साथ, जागृति के साथ इस चित्त तत्व का स्वाध्याय करना। तो भाग्यशाली अपनी बात वो थी, आत्म बुद्धे हो काया विकव्य, काया वगैरह में हमने अपन पना का भाव किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस पदार्थ का उपभोग ऑफिस में भी, घर में भी, रात्रि के समय घर में कोई भी प्रवृत्ति करते करते भी आप इसका बार बार स्वाध्याय करो। मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूँ, यह उद्गल वो जड़ चीज है, मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा और शरीर का जुड़ाव कर्म की वजह से हुआ है। यह शरीर वो मेरा खुद का वास्तविक स्वरूप नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। इसका चिंतन आपको हर पल करना होगा, हर पल करना होगा। तो आत्म बुद्धि हो काया निकल हो, ये शरीर तो पराई विनाशी चीज है। जब मेरी माता ने मुझे कुख में लिया और जन्म दिया, तब से ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और जब मृत्यु हो जाएगी तब ये शरीर छूट जाएगा। मगर मैं तो आत्मा यहाँ जन्म लेने से पहले भी अनंत काल से था, और मरने के बाद भी मैं तो रहने वाला ही हूँ। यानी कि ये शरीर वो मैं नहीं हूँ, ये शरीर वो तो मेरी आत्मा को रहने के लिए मिला हुआ टेम्पररी घर है। ये घर और घर में रहने वाला व्यक्ति दोनों एक है या अलग? ये बिल्डिंग और बिल्डिंग में रहने वाला व्यक्ति दोनों एक है या अलग है? अलग है। वैसे ये शरीर और शरीर में रहने वाली आत्मा दोनों अलग है। हमने दोनों को एक मान लिया, वो हमारी गलती। तो ये चिंतन खाली मानव भाव में ही होता है, वो जहाँ भी हो वहाँ हो, तिरियन में हो, नरक में हो, वो अपना गंभीर विषय नहीं है। अपना गंभीर विषय वो है कि पदार्थ को हमें समझना है, कहाँ होता है उसकी चिंता में अभी सरकना नहीं है, अभी इस पदार्थ को हमें ठीक रूप से समझना है। तो ये शरीर जो है वो मेरा घर है, मैं ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर में रहने वाला कोई अलग तत्व के रूप में मैं आत्मा हूँ। आप सब संसारी आत्माएं यहाँ ही भूले पड़े है, इसलिए वो भौतिक पदार्थों की माया जाल में फंस गए। समझ में आता है सब कुछ? तो आत्म बुद्धे हो कायादि को ग्रहयो बहिरात्म अगर उपसुन्नः, शरीर वगैरह में कायादि का काया, काया यानी शरीर, और कायादि का शरीर वगैरह उसमें अपन पना का भाव किया। जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया कि शरीर काला हो गया, तो मैंने मान लिया कि मैं काला हूं। शरीर बीमार पड़ गया तो मैंने मान लिया कि मैं बीमार पड़ गया। तो शरीर वो मैं नहीं हूं, शरीर वो तो मेरे सिर पर आई चीज है, फिर भी मैंने उसमें ही हूं बना का भाव किया है। और ये जो घर है वो तेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है या तेरी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है? शरीर के साथ जुड़ा हुआ। तेरी जो संपत्ति है वो संपत्ति शरीर के साथ जुड़ी हुई है या तेरी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है? जवाब देते रहिए। शरीर के साथ। ये जो परिवार वो तेरी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है या तेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ? शरीर के साथ। शरीर एक उदाहरण कल्पना, अभी आपकी उम्र 80 साल की हुई है, आपका 50-55 साल का पुत्र है, आपने जीवन में मेहनत करके करोड़ों अब्जों रुपया कमा लिया है। अब मान लो कि आयु तो खत्म होने वाला ही है, मृत्यु को याद करने में कभी अब डरना नहीं, एक दिन अपन को मरना ही है, मर जाएंगे। मरने के बाद मेरे भगवान ने कहा है कि दोबारा तो जन्म लेना ही पड़ेगा। आपने दोबारा जन्म साहूपुरी में ही ले लिया, और किसी के घर में आपका जन्म हुआ, और किसी के घर में आपका जन्म हुआ है। अब आप पहले भी साहूपुरी में ही रहते थे, अब भी साहूपुरी में, मगर दूसरे कोई परिवार के वहां आपका जन्म हो गया है। आपका जन्म हुआ, आप 1 साल 2 साल का हुआ, ये सब साहूपुरी का उपाश वगैरह आपने देखा, शांतिनाथ दादा का दर्शन किया, आपको लगा कि मैंने ये तो सब कभी देखा है, कभी मैंने ये देखा है, पर मैंने देखा है, नया नहीं देख रहा हूं। और आपको अत्यंत अचानक जाति स्मरण में आ गया, और आपको पता चला मैं तो फलाना फलाना व्यक्ति थी, मैं तो फलाना फलाना व्यक्ति था। और आपने प्रमाण भी दे दिया कि आपने पिछले जन्म में अब जो की संपत्ति कहां कहां इन्वेस्ट किया था,
कहां कहां दबा के रखा था, वो आपका 55 साल का लड़का था ना, उनको भी पता नहीं था। अभी आपने खातरी कराने के लिए याद दिलाया, देख यहाँ भी मेरी सिग्नेचर है, यहाँ मैंने इतने रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो सब आपने बताया तो पक्का हो गया। जो लड़का को भी पता नहीं था और आपने वास्तविक सत्य बता दी, अब तो पुरवार हो गया कि आप वही है ना, ऐसा हो गया। आपका वो 55 साल का लड़का उसको बोलना, ये सब मैंने कमाया, अब मेरे नाम से कर देना है, तेरा अधिकार नहीं है, सब मेरा है, मैं चाहू ऐसे यूज कर सकता हूं, तो वो लड़का आपका क्या करेगा? क्या करेगा? जी तो मना करेगा, क्या करेगा? ऐसा हो गया, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? मैं तो आगे बढ़कर कहूं, वही लड़का आपने 5 साल की उम्र में ये सब बता के पुरवार करा दिया, और बाद में आप कहोगे ना, मैं कहता हूं कि इसका यूज ऐसे करना है, इसका यूज ऐसे, अभी तो सब मानता था कि जीतू भाई जो बोले वो सही, मगर उस वक्त कहोगे मैं वही जीतू हूं और इसका उपयोग ऐसे करना है, इसका इतना उपयोग ऐसे करना है, तो क्या करेगा? सच में कहूं, पहले तो आपको शांत पारेगा, फिर भी आपने जबरदस्ती किया ना तो आपको घर में से निकालेगा, तेरे घर पे जा, ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर वो जहां नया जन्म लिया ना वो तेरा घर है, ये तेरा घर नहीं है। अभी आपको थमे थमे करके बोला दे, बाद में तू तू करेगा मैं जो कर रहा हूं। तो मेरा प्रश्न ये कि आपकी आत्मा तो वही है ना, तो अब वो संपत्ति में आपका मालिकी बना का हक को स्वीकारेगा या नहीं स्वीकारेगा? क्यों नहीं स्वीकारेगा? आत्मा तो वही है, आत्मा तो वही है, तो क्यों नहीं स्वीकारेगा? तो संपत्ति का संबंध शरीर के साथ जुड़ा हुआ है या आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है? शरीर के साथ। ये संपत्ति का जुड़ाव आपकी आत्मा के साथ नहीं है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रहो बहिरापह, आप तो ये काया और आदि शब्द से काया के साथ जुड़ा हुआ पूरा संसार, पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति गाड़ी बंगला वगैरह जो भी है, वो सब पदार्थों में अपन पना का भाव किया। इसलिए काया आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रहो, काया और काया वगैरह के साथ जुड़ा हुआ जो भी भौतिक संसार है उसमें काया आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रहो अपन पना का भाव किया, इसको बहिरात्म दशा का लक्षण भगवान कहते हैं। और ये अगर रूप इस जगत में सबसे बड़ा पाप क्या है? इस जगत में भाग्यशाली सबसे बड़ा पाप क्या है? जीव हिंसा करना वो बड़ा पाप है, मिथ्यात्म बड़ा पाप, झूठ बोलना वो बड़ा पाप है, क्या चोरी करना वो बड़ा पाप है, क्या नॉनवेज खाना वो बड़ा पाप है, क्या मदिरा पान करना वो बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप क्या है? मेरे भगवान कहते हैं कि बुद्धि की भ्रमणा वो सबसे बड़ा, ये बुद्धि की जो भ्रमणा है वो सबसे बड़ा पाप है, इसको मिथ्यात्व कहा जाए, समझ में आता है? तो ये जो जीव की दशा है ना कि ये बाहर के पदार्थों में अपन पना का भाव रखना, इसको भगवान मिथ्यात्व कहते हैं। और ये एक साइड में ज्ञानी भगवान जो आपको पहले प्राण दीपात बीजे मृषावा तीजे दत्तादान आता है ना, 18 प्रकार के पापों का उसमें वर्णन किया है, और ज्ञानियों ने लिखा है कि एक पल्ले में राजवे के एक पल्ले में 17 पाप रखो, यानी कि हिंसा झूठ चोरी अप्रप परिग्रह निंदा कुतली क्रोध सब आ गया, उन सब पापों को राजवे के एक पल्ले में रखो और दूसरे पल्ले में अकेला मिथ्यात्व को रखो। तो भगवान कहते हैं कि मिथ्यात्व का पल्ला झुक जाता है, यानी कि 17 पाप मिला के वो पाप की जितनी प्रबलता ज्ञानियों ने नहीं मानी है उससे ज्यादा अकेला मिथ्यात्व का पाप ज्यादा भारी है। आप लोग शायद क्रोध कम करने का सोच रहे हैं, शायद हिंसा कम करने का शायद आप सोच रहे हैं, झूठ बोलना पाप है तो आप झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी करना पाप है तो आप चोरी नहीं करूंगा, उन सभी बातों में आप शायद भी चिंतित है, मगर मेरी आत्मा मिथ्यात्व के पाप से घिरी हुई है उसकी चिंता आपको कितनी बार हो रही है? वो सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है। भगवान कहते हैं कि पहले मिथ्यात्व का पाप को मिटाओ, दूसरे पाप तो मिथ्यात्व जाने के प्रभाव से ऐसे ही कमजोर हो जाएगा।
था, सब पापों का प्राबल्य मिथ्यात्व के आधार पर टिका हुआ है, सब पापों का प्राबल्य मिथ्यात्व के आधार पर टिका हुआ है। मिथ्यात्व टूट गया या जल गया ना, तो दूसरे पापों की हैसियत नहीं है कि लंबे समय तक वो जिंदा रह सके। इसलिए सबसे पहले हमें सचिंत होना है मिथ्यात्व को खत्म करने के। और मिथ्यात्व ये है जो मेरा नहीं है। आप बोलते हैं ना भगवान सिमंदर स्वामी का स्तवन, आपको तो कहां बोलने का होता है, परमिशन के अलावा आप क्या सुबह का प्रतिक्रमण करते हैं? सिमंदर स्वामी के स्तवन में आते हैं, मारू न हतु देने मारू करी मानू, मारू न हतु। भगवान ने क्या करुणा किया है, शास्त्र में तो संस्कृत प्राकृत में गहन परिभाषा में ये सब तत्व ज्ञानियों ने लिखे हुए है, मगर अभी अभी के थोड़े सैके पहले हुए महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए वो ही तत्व को हमारी भाषा में उन्होंने हमको ढाल के दिखाया है। मारू न हतु, मैं तो कहूँ हर रोज आप प्रतिक्रमण न भी करो, करो मैं चाहता हूँ, मेरे भगवान का आदेश है, फिर भी आपका लेवल को ध्यान में रखकर मैं बोलूंगा कि आप करो, तो अभी मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात मानने वाले नहीं है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हर रोज सुबह का प्रतिक्रमण करो, आप करोगे? आपको बोलना है बोलो, हमको जितना कर पाएंगे या जितना भाव होगा उतना ही करेंगे। इसलिए आपके पर भरोसा नहीं है कि आप हर रोज करोगे, कम से कम इतना करोगे। ये सिमंदर स्वामी दादा का स्तवन का काम हर रोज सुबह में करना, वो हो पाएगा? मारू न हतु तेने मारू करी मान्यू, मारू हतु तेने नाही पिछान्यू, एवा आत्मा ना दुख मारा के जो चांदलिया सिमंदर देड़ा। मारू न हतु तेने मारू करी मान्यू, ये शरीर मेरा नहीं है फिर भी उसको मैंने मेरा मान लिया, ये बंगला मेरा नहीं है फिर भी मैंने मेरा मान लिया, ये परिवार मेरा नहीं है फिर भी मैंने मेरा मान लिया, ये संपत्ति मेरी नहीं है फिर भी मैंने मेरी मान लिया। इससे ये जो मिथ्यात्व है ना, उससे बड़ा भारी पाप इस विश्व में दूसरा कोई नहीं। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रभु की कृपा से जिन शासन मिला है ना, तो ये मिथ्यात्व को चलाने की साधना करो भाग्यशाली। इसके लिए सिर्फ सामायिक करना या मंदिर में जाना उतना पर्याप्त तो नहीं है, हर पल आपको यह जागृति रहनी चाहिए ये मेरा नहीं है। तो बोलो मैं मेरा नहीं है तो मैं जिंदा जीवन कैसे जी पाएंगे? तो उसका भी मैं एक उदाहरण देके बताता हूं, आपके लिए बहुत हितकारी है आज का प्रवचन। इसके लिए जिंदू भाई अब ये घर किसका, बोलना तो पड़ेगा मेरा ही है, बोलना ही पड़ेगा, मैं आपको सब सिखाऊंगा क्योंकि आपने गुरु बनाया है ना, तो मेरी फर्ज है कि आपको सब सिखाना, मगर सब सीखना अधूरा मत सीखना, सब सीखना, बोलना तो वही पड़ेगा कि ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये परिवार मेरा। आप बोलोगे ना, बोलने के दौरान भी आपके अंतर मन में सजागता होनी चाहिए कि ये मेरा नहीं, बोलने के दौरान। वो कैसे हो सकता है तो उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। कोल्हापुर जितने लंबे दूरी पे आप रहते हो, समेत शिखर जी गए या तो पालीताना जी यात्रा करने के लिए गए हैं, तो क्या एक दिन जाके निकल जाओगे या दो चार पांच दिन भी रहोगे? आया हूं शांति से दादा की भक्ति करना है तो दो चार दिन भी वहां धर्मशाला में आप रुकोगे? धर्मशाला में रुकोगे तो आप फ्री में रुकोगे या भाड़ा देके रहोगे? अब भाड़ा दे दिया तो ये रूम चार दिन के लिए किसका हो गया? चार दिन के लिए किसका हो गया? तो दस्तावेज हो जाता है, तो ये होता है क्योंकि भाड़े का मेरा मालिकी का नहीं है। अब आप ऊपर यात्रा करने के लिए गए, मैं भी विहार करता करता गुजरात चला गया और मैं भी पालीताना पहुंचा था और मैं ऊपर यात्रा करके नीचे उतर रहा था, आप सामने मिले, आपको आश्चर्य हो गया, आनंद आ गया कि गुरु महाराज आपने तो कोल्हापुर में दो चौमासा किए, मैं भी कोल्हापुर में रहता हूं। और आपने मुझे विनंती किया, गुरुदेव मेरी रूम पे गोचरी बैठने के लिए पधारना। मुझे भी लगा कि जीव तो लायक है, उनके वहां मिलने के लिए जाऊंगा ना तो उनका भाव टिकेगा और उनकी श्रद्धा बढ़ेगी ना, तो आत्मा का कल्याण होगा। मैंने भी ध्यान में रख लिया, आपने मुझे क्या कहा? मेरी रूम पे बैठने के लिए आना। मैंने पूछा तेरी रूम किस धर्मशाला में हो और कितने नंबर? आपने बताया फलानी धर्मशाला में इस नंबर की मेरी रूम है। गुरुदेव बता ऐसा ही आप कहोगे?
ठीक है, मैं वेरने के लिए आया, वेरने के बाद आप गोत्री वेराते थे, मैंने थोड़ी नजर लगाई, खिड़की का कांच वगैरह टूटा हुआ था, ये रूम का कलर काम जो है ना उसके पर पोपड़े उखड़ गए थे। मैंने कहा ये तेरी रूम ऐसा ऐसी क्यों रखा है, ये तो श्रीमंत है, ये कांच वगैरह रिपेयर कराना, ये पोपड़े उखड़ते हैं तो रंग रोगा क्यों नहीं करा, तू तो श्रीमंत है तो इतना करा, ये तेरी रूम मेरी नहीं, ये तो भाड़े से चार दिन के लिए लिया है, टेम्पररी है, जब मैं बोलता हूँ ना मेरी रूम में पधारना तब भी अंदर तो पता ही है कि चार दिन के लिए, ये वास्तव में मेरा मालिक का इसमें कुछ नहीं है। क्या होता है मैं जो बोला वही फीलिंग होता है ना, भले व्यवहार में मैं बोलूंगा कि तुझे मेरी रूम में बैठने के लिए, मगर जब आप बोलते हैं कि मेरी रूम में बैठने के लिए आना तब भी आपके अंदर मन में तो विजन क्लियर है कि चार दिन के लिए भाड़े से लिया है, वास्तव में मेरी मालिकी इसके पर नहीं है, वो आपका विजन क्लियर होता है ना। और ऐसा विजन होते हुए भी व्यवहार से आप बोल सकते हैं कि मेरी रूम में आना, तो जब मेरी रूम में आना वैसा बोलते तब भी अंदर से आपको फीलिंग क्लियर है कि मेरा नहीं। वैसे ये जो भौतिक संपत्तियां है उसके बारे में व्यवहार से आपको किसी के साथ बात करने के लिए बोलना पड़े, ये पसीना का टुकड़ा है ना, हमारा सब साधुओं की हमारा वस्त्र सफेद ही होता है, मेरा पसीना का टुकड़ा ये है ना वो सफेद है तो उनका भी सफेद ही होगा, तो दोनों का टुकड़ा मान लो यहाँ पड़ा है तो कोई साधु को प्रश्न हुआ ये है किसका, मैं कहूंगा मेरा, मैं भी बोलूंगा आप क्यों, आप आपका घर के परिवार के लिए नहीं, मैं भी बोलता हूँ ये शिष्य किसका, मैं भी कहूंगा मेरा, मगर मैं जब बोलता हूँ ना मेरा तब मुझे पता है कि कर्म संयोग की वजह से ये हमेशा के लिए मेरा नहीं है, टेम्पररी ये जुड़ा हुआ है, या तो टेम्पररी यूज करने के लिए ये मेरा है, तो व्यवहार से बोला जाता है कि मेरा है, मगर मेरा बोलने के वक्त भी अंदर का विजन क्लियर है कि इसके साथ मुझे क्या लेना देना, मर्द मेरा है तो मर जाऊंगा तो क्या है पसीना का टुकड़ा मेरे साथ आएगा, छोड़ के जाना है तो इसने मेरा मेरा कैसे कहा जाएगा, मुझे विजन क्लियर है पसीना का टुकड़ा तो मेरा नहीं है, मेरा शरीर भी मेरा है, फिर भी व्यवहार से किसी के साथ व्यवहार करना है तो बोलना पड़ता है सामने वालों को वास्तविकता समझाने के लिए भी, अभी के लिए कर्म के उदय से इसके साथ जुड़ा मेरा है इसलिए व्यवहार से मेरा कहा जाता है, मगर जिन व्यक्ति को मेरा है ऐसा बोलने वक्त भी अंतर मन सजाग है कि मेरा कुछ नहीं है, वो ही आत्मा सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि भी बोलता है कि ये घर मेरा, सम्यक दृष्टि भी बोलता है ये घर मेरा, व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिथ्या दृष्टि भी पैसे कमाने के लिए बाजार में जाता है, सम्यक दृष्टि भी पैसे कमाने के लिए बाजार में जाता है, मिथ्या दृष्टि होता है वो बीमार पड़ता है तो दवाइयां लेता है, सम्यक दृष्टि भी बीमार पड़ता है तो दवाइयां लेता है, देखिते रूप में मिथ्या का व्यवहार और सम्यक दृष्टि का देखिते व्यवहार में शायद कोई फर्क नहीं भी दिखेगा, फिर भी भगवान कहते कि एक सम्यक दृष्टि एक मिथ्या, तो ये घर मेरा है वैसा बोलने के दौरान भी अंतर मन में जिसको आवाज क्लियर है कि ये तो कर्म का उदय की वजह से वो पालीताना की भाड़ू की धर्मशाला के कमरे की जैसे ये टेम्पररी मिला है हमेशा के लिए, जैसे पालीताना की धर्मशाला का कमरा हमेशा के लिए मेरा नहीं है, वैसे ये घर गाड़ी बंगला भी हमेशा के लिए मेरा नहीं है, वैसा विजन अंदर से जिसका पूरा पूरा क्लियर है भगवान कहते हैं कि वो आत्मा सम्यक, भले व्यवहार में वही बोलेगा घर मेरा परिवार मेरा संपत्ति मेरी गाड़ी मेरी बंगला मेरा सब मेरा, फिर भी अंदर से वो आत्मा की आवाज नाद निकलता है मेरा नहीं है, मेरा कहने के भक्त भी मेरा नहीं है, वो सजगता जिसकी जीवंत है वो आत्मा सम्यक दृष्टि है, और मेरे में फंस जाता है और वो आवाज अंदर से दब जाता है वो भान अंदर से भूल जाता है, भगवान कहते हैं वो आत्मा मिथ्या है जी, मेरे गुरु मेरे भगवान इसमें सम्यक दृष्टि आत्मा क्या सोचेगी, और देखो क्या तो दृष्टि आत्मा क्या सोचेगी, देखो उसमें सम्यक दृष्टि आत्मा गुरु को अपनी आत्मा के तारक के रूप में उपकारी के रूप में मानता है,
जबकि मिथ्या दृष्टि आत्मा है तो गुरु के माध्यम से भी खुद का इस भोग का या परलोक का ही कुछ सुधारा लाने की वृत्ति हमें फंस जाती। दोबारा बोलू, सम्यक दृष्टि आत्मा को आत्म तत्व ही केंद्र में है, इसलिए गुरु को उपकारी मानते हैं। जैसे कि मैं दो शिष्य है, दोनों शिष्य गुरु के रूप में मानते हैं, दोनों शिष्य गुरु की सेवा करते हैं, दोनों शिष्य गुरु को उपकारी मानते हैं, मगर एक शिष्य के अंदर में भावधारा क्लियर है कि ये गुरु ने मुझे आत्मा की पहचान कराई। मेरे गुरु खुद भी भगवान का अवतार है, भगवान का स्वरूप का अंश मेरे गुरु में उजागर हुआ है, तो गुरु के अंदर में भी भगवत तत्व का जो अंश है उसका दर्शन करता है, और उसका दर्शन करके खुद का अंदर का आत्मा को पावन करने का लक्ष्य को केंद्र में रखकर गुरु ने मेरे आत्मा की पहचान करवाई। जैसे कि एक सादी भाषा में आपको समझाने के लिए बताऊं कि सम्यक दृष्टि शिष्य होता है ना, तो ये गुरु ने मेरा मोह का जहर को पिघाला, ये गुरु ने आत्मज्ञान दिया, उद्गल और आत्मा का भेद उन्होंने समझाया, गुरु ने मेरा आत्मा को ऊंचे उठाने के लिए कितना उपकार किया, उस एंगल से वो गुरु को उपकारी मान। मिथ्या दृष्टि शिष्य होगा ना, तो गुरु ने मुझे इतना ज्ञान देके मुझे अधिकार दिया, गुरु ने मुझे दो चार शिष्यों का गुरु बना दिया, ये गुरु ने मुझे व्याख्यान की पाठ सौंप दिया, जाहिर में सैकड़ों भक्तों के सामने मुझे खड़ा कर दिया, या तो गुरु ने मुझे उपन्यास पद या तो आचार्य पद दे दिया, भौतिक रूप से गुरु ने मुझे जो बढ़ावा दिया ना, उस वजह से मिथ्या दृष्टि शिष्य को गुरु अच्छे लगे। मिथ्या दृष्टि शिष्य को भी गुरु अच्छे लगते हैं, सम्यक दृष्टि शिष्य को भी गुरु अच्छे लगते हैं, मगर मिथ्या दृष्टि शिष्य होता है तो समाज में मेरी वाहवा ना होगी, गुरु ने मुझे ऐसा मेरा घड़कर किया कि समाज में कोई लोगों के सामने मैं पीछे न पड़ू, उतना मुझे पावर खुद तैयार कर दिया है, इसलिए उनको गुरु उपकारी हो गए। मिथ्या दृष्टि शिष्य को, सम्यक दृष्टि शिष्य को गुरु ने पहचान करवाई, मेरा मोह का जहर को उन्होंने पिघालने के लिए मुझे तैयार किया, अंदर से मेरी अंतर चक्षु को खोल दिया, इसलिए जिन शिष्य को गुरु अच्छे लगते। समझ में आता है? तो चलो ठीक है, तो आप लोगों के पास ये रिक्वेस्ट करता हूं कि धर्म आपसे जितना हो सके उतना ज्यादा करने की कोशिश करना, मगर इस तत्व को हमें कभी भूलना नहीं है कि ये सब पराई चीज है। मैं आत्मा भगवान का तीर्थंकर पर उसकी नींव यहां छुपी हुई है। भगवान शांतिनाथ दादा, भगवान महावीर स्वामी दादा, 24 तीर्थंकर भगवान या अनंत तीर्थंकर भगवान, सबका जो तीर्थंकर पद का बीज कहां छुपा हुआ है? सब तीर्थंकर भगवंतों का तीर्थंकर पद की अवस्था का बीज ये भावना में छुपा हुआ है। वो आत्मा को केंद्र में रखकर उन्होंने पुद्गल को विस्मृत कर दिया या वो पराया मान लिया, वहां से उनका खुद की आत्मा का विकास की धारा शुरू हुई, और भगवान ने शासन की स्थापना करके भव्य आत्माओं के लिए भी सबसे पहला ये सूत्र दिया, मैं आत्मा हूं और ये सब पराई थी। सबसे पहला विधान भगवान ने ये बताया। तो आत्म बुद्धि हो कायादि का ग्रह हो वही आत्मा, ये वही आत्म दशा का लक्षण है। इन आत्मा को जो पुद्गल में अपन बना का भाव करता है, पुद्गल से आत्मा भिन्न है, उस तत्व को जो भूल जाता है, भगवान कहते हैं कि वो वही आत्मा कहलाता है। आपका नंबर किसमें आएगा? आपका नंबर किसमें आएगा? ये वही आत्मा दशा, वही आत्मा दशा का ही दूसरा नाम है मिथ्यात्व दशा। बहिरात्म दशा का ही नाम है मिथ्यात्म दशा, और मिथ्यात्म दशा को भगवान ने अगर अग यानी पाप, पाप को संस्कृत में अग कहते हैं, अग यानी पाप, अगरूप यानी कि यह बहिरात्म दशा, यानी कि जो मिथ्यात्म दशा है वो ही पाप स्वरूप, सबसे बड़ा पाप ये विकृत भाव का है। इसलिए आपके पास में रिक्वेस्ट करता हूं आपको बचाने के लिए, हो सके उतनी यथाशक्ति धर्म की आराधना करो, मगर इस तत्व को हमें एक पल भी विस्मृत करना नहीं है, हर पल अंदर से रोम रोम से आवाज क्लियर हो जाना चाहिए।
अपने आत्मा को यह भूतकल की लीला वो कर्म की वजह से मिला है और वो भी टेम्पररी है, कल ये छूट जाएगा। मुझे तात्विक रूप से इन सभी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मुझे मेरी आत्मा को बचाना है, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप को उजागर करना है और आत्मा में जो भी विकृत भावना या कर्म के जहाँ बंधन लगे हुए हैं उन सभी को तोड़ के आत्मा का शुद्ध स्वरूप को मुझे प्रकट करना है। कम से कम इतना भी जो विजन क्लियर हो गया है तो मैं कहता हूँ कि आपको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया और यह सम्यक दर्शन की वजह से आपका मोक्ष मार्ग का दरवाजा खुल गया। बाकी अभी कितना भी धर्म करो, मैं दावा करके कहता हूँ भगवान के वचनों की साक्षी से कि अभी आपका मोक्ष का द्वार धर्म का द्वार खुला भी नहीं। तो भगवान ने सम्यक दर्शन पाकर जगत के जीवों का कल्याण की भावना रखी थी, वो भावना सम्यक दर्शन से पैदा हुई। तो ये सम्यक दर्शन क्या है वो पहले समझना पड़ेगा, तो इसलिए आज का यह विषय आपको बता। आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रहो बहिरात्म अगर उपसुखन, ये महापाप। कभी आपके स्कूटर के नीचे कोई मान लो के आप फास्ट गाड़ी लेके आप जा रहे थे और बीच में कुत्ते का बच्चा आ गया और मर गया तो प्रायश्चित लेते हो? तो ये मिथ्यात्व का प्रायश्चित कभी किया या नहीं किया? कुत्ता मर गया वो बड़ा पाप है या ये जो अंदर की भ्रमणा है वो बड़ा पाप? कुत्ता मर गया वो बड़ा पाप है या ये जो अंदर की मिथ्यात्व दशा है वो बड़ा पाप? मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा, अंदर से कम जगो तो सही आप ये दोस्त को दोस्त के रूप में समझो और जीवन का एक लक्ष्य बनाओ मुझे मिथ्यात्व की भावना से छुटकारा पाना। जब आगे चलो पांच मिनट में अंतरात्मा, अंतरात्मा किसको कहते हैं? काया विकर्ण हो साखी धर्म अंतरात्म भूप शुभ काया विकर्ण हो साखी धर्म। साक्षी का काम क्या होता है? साक्षी किसको बनाया जाता है? साक्षी आपके दुनिया में किसी ने अपराध किया और कोर्ट में हाजिर किया तो उसके लिए कोई साक्षी की जब जरूरत रहती है साक्षी किसको बनाया जाता है? साक्षी किसको बनाया जाता है? सत्य का स्वीकार कराएगा ना जो उनका सगा वाला हो, उनका पक्षपाती हो, उनका ही पक्ष खींचने वाला हो, उसको साक्षी बनाया जाएगा। जो भी असील है उनके ही पक्ष में जो जुबानी देने वाला है गारंटी है वो इनका पक्षकार है, उनको ही साक्षी बनाया जाएगा ना। क्या बराबर, थोड़ा दिमाग से सुनो। साक्षी किसको बनाया जाएगा? जिसकी हाजिरी में हुआ है, मगर वो उनका खुद का लड़का है भले, तो उनको बनाएगा साक्षी? साक्षी वो होता है जो तटस्थ किसी का भी पक्ष खींचेगा नहीं, सत्य बोलेगा, पक्षपात नहीं करेगा। उन व्यक्ति को ही साक्षी बनाया जाता है, पता ही है कि पक्षपाती है, खुद के पापा के ही पक्ष में बोलने वाला है, पापा के लिए झूठ भी बोल सकता है, तो क्या उसको साक्षी बनाएगा? साक्षी किसको बनाया जाता है? जो सत्य बोलने वाला हो, किसी का भी पक्षपात करने वाला नहीं है, वो साक्षी बनाया जाता है। साक्षी का मतलब ये है कि जो तटस्थ है उसमें पक्षपात नहीं करता है, उसको साक्षी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आता है? तो सम्यक दृष्टि आत्मा कैसी होगी? कायादिकुण हो साक्षी कर, शरीर में अंगूठी मान लो कि अंगुली कट गई, वेदना हो रही है, वेदना का अनुभव भी होगा मगर आत्मा अंदर से आवाज करेगा ये शरीर को हो रहा है, तू आत्मा है, तेरा कर्म का उदय की वजह से हुआ है, उसमें तुझे रोना नहीं है, शरीर का पक्षपात नहीं करना है। कर्म की लीला है, शरीर पर आई चीज है, कर्म के उदय की वजह से हुआ है, जो हुआ है उसमें राग भी नहीं करना है, उसमें द्वेष भी नहीं करना है, तटस्थ भाव से मध्यस्थता से जो सत्य है उसका स्वीकार करना है, यानी कि अलिप्त रहकर सत्य का जो स्वीकार कर सकता है, वो उनको ही साक्षी बनाया जाता है। तो सम्यक दृष्टि आत्मा अपना शरीर के साथ भी और पूरे जीवन में कर्म के उदय से होने वाली घटनाओं में तटस्थ भाव से यानी कि
बिना लिप्त हुए साक्षी भाव से वास्तविक जो घटनाएं बन रही है उसका वो साक्षी बनता है, यानी कि सब देखता है, सब जानता है, अंदर से वो निराला रहता है, पराया मानता है, वो सम्यक दृष्टि आत्मा को साक्षी कर कहा जाता है। जान कुछ कितने अटक गया, जितना पिलाया ना उतना अंदर उतार महत्व की बात है। आपको जो साधना करना है, मिला हुआ जीवन को सफल बनाना है, तो ये सब पदार्थों से आपको भावित होना ही होगा। दीक्षा ले लो तो अच्छी बात, मगर शायद नहीं पहुंच सकते हैं, तो अभी इतने ही अवस्था को उजागर करने के बिना मर गए ना, अनंत भव भटकना पड़ेगा। मिला हुआ जिज्ञासा से और मिला हुआ मानव जीवन भी आपका निष्फल चला जाएगा। इसलिए कुछ करना है, वास्तव में जीवन में उत्थान करना है, तो कम से कम यह समझदारी को क्लियर करके आपकी आत्मा को आप सजग बनाना पड़ेगा, और ये भाव धाराओं से आपकी आत्मा को वासित तो बनना ही पड़ेगा। बल्कि कायादिकल हो साखी धरण, कायादिक काया आदि, आदि से काया से जुड़ी हुई पूरी भौतिक दुनिया, उनका सिर्फ साक्षी धर्म, साक्षी होता है ना, वो राग भी नहीं करता, वो द्वेष भी नहीं करता, वो तटस्थ भाव से जो सत्य है वो सिखाता, उसको साक्षी दर बनाया है। तो जो कायादिक घटनाओं का साक्षी दर है, इसके लिए भगवान ने शब्द प्रयोग किया, ऐसी आत्मा को अंतर आत्मा कहा जाता है। ऐसी जो आत्मा है इसको अंतर आत्मा कहा जाता है। दीक्षा लेने के पहले भी श्रावक आत्मा भी ऐसी अंतर आत्मा हो सकती है। चौथे आर्य में नहीं, पांचवे आर्य में, आज के जमाने में भी दीक्षा लिए हुए नहीं, संसार में जाजम पर बैठने वाले और व्यापार धंधा करने वाली आत्मा भी जो अंदर से सम्यक दर्शन का भाव उजागर हो गया, तो संसार चलाते चलाते भी वो साक्षी दर यानी कि अंतरात्मा की अवस्था में हो सकता है। यहाँ आदमी मेरे सामने जो भी भाई बहने बैठे हैं उसमें से भी ऐसी अंतरात्मा हो सकती है, यानी वो आपको खुद को तय कर, मगर उसमें भी अंतरात्मा हो सकती है। ठीक है, तो आत्म बुद्धे हो कायादिक बहिरात्म अग्र और कायादिक न हो साखी धर रहे हो, कर्म के उदय में फंसा हुआ है, फिर भी उसमें से वो अपनी आत्मा को अलिप्त रूप से महसूस कर सकता है। मैं आत्मा हूं ये सब कर्म की लीला है, तो ये कर्म कट जाएगा तब ये परिस्थिति भी चली जाएगी, मुझे उसमें राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। वैसी समझदारी जिसकी अंदर से क्लियर हो चुकी है, भले शायद मोह की वजह से राग हो भी जाता है, मगर वो भी समझता है कि ये राग वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। समझ में आता है, वो अवस्था अंतरात्म दशा कहा जाता है, और ऐसी अंतरात्म दशा को ही भगवान ने सम्यक तो कहा है। ऐसी अंतरात्म दशा को ही भगवान ने सम्यक को कहा है। सच में को साधना करना है, जीवन को सफल बनाना है, आज का प्रवचनों के पदार्थों को बागोल के अंदर से आपकी आत्मा को ठीक करने की आपको कोशिश करनी है। और तीसरे नंबर में आता है परमात्मा दशा। परमात्मा दशा की बात क्या है, समय हो चुका है तो वो अभी नहीं चलाता हूं। ये दो बातों को आप रखिए, और भगवान ने ये मिथ्यात्व को पिघाला और भगवान ने ये सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। जरूरत रहे कल बोलोगे ना, आज के पदार्थों का स्वाद वापिस कल करो, करना है। एक ही प्रवचन या नया ना नहीं सुनना है ना। मुझे नया नहीं सुनना है, भूले और फिर आत्मा को मुझे सुधारना है, और इतनी गंभीर महत्व की बात है तो दोबारा वो सुनाओगे ना, हम इंटरेस्ट से सुनेंगे और आत्मा को भावित करने की कोशिश करेंगे। तो सम्यक दर्शन भगवान ने इस प्रकार का मिथ्यात्व को, भगवान का शक्तिनाथ भगवान का पहला भव क्या था, श्री शेण भव की दशा में भगवान ने यह मिथ्यात्व को मिटा दिया था, और यह सम्यक्त्व को उन्होंने स्पर्श किया था। कैसी भावधारा थी, वापिस कल घटना होगा तो रटेंगे, ऐसे मिथ्यात्व को भगवान शक्तिनाथ दादा ने श्री शेण के भव में मिटा दिया, और इस प्रकार का सम्यक्त्व को उन्होंने उजागर कर दिया। भगवान कहते सबकी तपा में जीव देश भव गण, वहां से भगवान की आत्मा का विकास की शुरुआत हुई। उसके बाद 12 भव में भगवान केवल कर्म की दशा तक पहुंच गए, सिर्फ 12 भव की भगवान ने पहली अवस्था से वो केवल
की अवस्था पहुंचने में महावीर स्वामी को 27 भोग लगा, वही साधना शांतिनाथ भगवान ने 12 भोग में पूर्ण कर लिया। और भगवान दूसरे ज्यादातर भगवंतों को तो 3 भाव में ये साधना पूर्ण हो गई थी। तो बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा दशा की बात करके हमारा आत्मा का विकास का मार्ग हमें कैसे आगे चलना है वो सब बातें आगे आगे आपको बताते रहेंगे। ये सब सुनकर आप आपकी आत्मा को भावन करके मिला हुआ जीवन को सफल बनाओ, वो ही मंगल का। धन्यवाद। अमृतवादी।